कैबिनेट कमेटी ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक और स्कीम को या सब स्कीम को अप्रूव किया। नाम था इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू द ₹3 लाख। ये न्यूज में था ये लाइन। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफी, तो किसको ब्याज माफी? तो बिल्कुल जो पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चल रहा था उसी का ही एक एडिशन है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन्होंने अप्रूव किया इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन टू 1.5% फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ की वर्ड यही है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये किसको जा रहा है? बैंक को। क्योंकि बैंक को जो शुरू में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बताया गया था उस पे ये कहा गया था कि बैंक को शुरू में 2% और बाद में टाइमली रिपेमेंट पे 5% ही मिलता है। तो उनको 5% इंटरेस्ट जो था जो किसान को देना पड़ता, किसान के बिहाफ में कौन दे रहा था? सरकार दे रहा था 2% + 3%। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को ध्यान दोगे तो पता चलेगा। तो 5% से उनकी भरपाई नहीं हो रही थी क्योंकि वो लोन दे रहे थे ना किसी को, उनको सही ब्याज नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने उनकी भी हालात में सुधार रखने के लिए या उनके को उनको भी सही सलामत रखने के लिए 1.5% और कर दिया। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा समझते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन आप 1.5% विल बी प्रोवाइडेड टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सारे जो बैंक हैं इनको लेंडिंग कर दिया गया। ठीक है, और 2022-23 या 23-24 24-25 तक ये कार्यक्रम चलना है। और ये केवल उसी के लिए कि जिस अकाउंट से किसान लोन लेंगे 3 लाख रुपीस तक, मतलब वही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाला बात। यहाँ पे ये भी ध्यान रखे, दिस विल इंश्योर, इससे होने क्या वाला है, बैंकों को एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा देने में आनाकानी नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से लोन देंगे। नहीं तो उनके माइंड में रहता कि हम किसान को दे रहे हैं तो 5% मिल रहा है सरकार की तरफ से, और सरकार के तरफ से जो पैसा आता है वो आरा धीरे से आएगा, या इसी तरह का माइंड सेट रहेगा, वो ओपन डील नहीं कर पाते, इसीलिए एक्स्ट्रा और उनको मिल, बैंक का तो उनका पूरा मिल जा रहा था, लेकिन फिर भी उनका और थोड़े से लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे, इसलिए स्कीम लाया गया। फार्मर पहले की ही तरह इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में यदि वो टाइम पे रिपे करते हैं तो उनको 4% ब्याज पे ही उनको लोन मिल जाएगा। 9% कॉमन इंटरेस्ट रहता है, 2% किसान होने के नाते, ठीक है, केसीसी की वजह से, और उसके बाद 3% किस वजह से, टाइमली रिपे करेगा शॉर्ट टर्म लोन को ₹3 लाख तक 1-1.5 साल के लिए लिया है, तो इस नाम से उसको टोटल 2% + 3% यानी 5% कम हो जाता है 9% में, और उसे चुकाना पड़ता है मात्र 4% ब्याज। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों लाया गया था? इसलिए कि किसान को हेडेक फ्री होकर के समय पे लोन मिल सके, यही था ना केसीसी लाने का, कि उनको बार बार 5,000 भी निकालने के लिए बैंक में फॉर्म ना डालना पड़े, इसलिए किसान क्रेडिट लाया गया था। ये भी जानिए कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाया गया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम IEES, इसका क्या उद्देश्य था कि किसान को ना ब्याज का भार ना पड़े, इंटरेस्ट उसको मिनिमम लगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने उनके बिहाफ में सब्सिडी रख दिया। अब इसमें जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आ रहा है तो इसका यही है, अब वो मॉडिफाइड कब हो गया कि
कि देखो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में 9% से 2% तो मिल ही जा रहा था, लेकिन अब 3% और मिलेगा एक शर्त रख देने पे कि टाइमली रिपे करेगा। तो टाइमली रिपेमेंट के आधार पे उसे इस तरह से क्या हो रहा है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट में उसे मिल रहा है, ठीक है। अब आपको बताना चाहूँगा, कैबिनेट अप्रूव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम, ये यहाँ अंडर दिस स्कीम शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू द रुपीज 3 लाख इज अवेलेबल। तो 3 लाख तक अवेलेबल है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है 3 लाख है, नॉर्मली उसको 7% पर एनम पे पड़ता है, लेकिन यदि वो टाइमली रिपेमेंट वाला हो जाएगा तो एडिशनल 3% सबवेंशन और हो जाएगा, यानी प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव कहते हैं इस 3% को, क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव, PRI के नाम से इसे जाना जाता है। देयरफोर किसान को मात्र 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो अभी आप देख रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5%, ये उनके लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए।